अरविंद जी बताएंगे फरुखाबाद घराने के लिए। जो बंद आघात होता है जैसा ये
दिल्लियों का जो दिल्ली के स्टाइल का आघात जो होता है वो उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। रचनाओं में पखावज के जोरकस और खुले बाजों बोलों का बोलों के अतिरिक्त कई नाजुक बोलों का सुयोग्य अंतर्भाव बाएं की घुमट घुमक मींड। अभी घुमक और मींड में थोड़ा सा फर्क है, एक्चुअली घुमक ये मींड का ही छोटा हिस्सा है। अभी मैं मींड क्या होती है, मींड जरा लंबी कर्व रहती है और घुमक होती है जरा छोटी, तो मैं दोनों का आपको थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन दूंगा। अभी ये जो फरुखाबाद की मंदिर है की जो आंख है ये सुर की आंख को भी उन्होंने सोनोरिटी को उन्होंने महत्व दिया है। चाही चाही पर निकलने वाला जो दिंग है या थुंग बोलते हैं ये हिस्सा गजरे को लगता है और हाथ पैरेलल बचता है। दिल्ली का पेशकार अलग रहता है, फरुखाबाद का, पूरब का अलग रहता है। तो पेशकार फरुखाबाद का जो बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध पेशकार है जो सब बुजुर्गों ने बजाया है, ऐसा धिंक धिन धा धा धिन धा धात धात धा धा तिन्ना तक धिरा धा धिन ना धात धा केट तक धिन्ना धा तिन्ना Thank you.
विज्ञान विभाग जो है जो थोड़े से अलग होते हैं। गुंजारव कहते हैं, जब भ्रमर जब बहुत तेजी से उसका घूमना चलता है तो अपने को जो साउंड सुनाई देता है वही प्रकार रव के हिसाब से इसमें लाया गया है। तो सॉरी, इसके पहले मैं गतांग रेला के बारे में बोलना चाहता हूं। रेला जिसमें गत का अंग है, यानी पहले गत कही जाती है और उसके ऊपर बांधा हुआ, उसके वजन के ऊपर बांधा हुआ रेला बजाया जाता है। निस्तार हुसैन खान, निस्तार अली खान यानी हाजी साहब के जेठे शाहजादे, उनकी बंदिश है। गत ऐसी है,
Thank you.
सज्जे साहब की थी। धगत तकट धा धर ता गद्दी धर 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 कटक तकट धा धा धर ता गद्दी धर 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 कटक तकट धा तकट धा धा धर 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 कटक धर 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 कटक धर 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 कटक तकट तकट धा धर ता सत्ती। इसका जोड़ा मियां चलारी खान साहब ने बनाया। फरुखाबाद का पेशकार तो बड़ा फेमस है, देख जिंदा जो उस्ताद तेरे को था सब बजाते थे। इसमें जब उपयोग करते थे धगन धस धग धगन धस धग धगने थे ना धस धग धगने थे ना कि ये क्या है, ये फरुखाबाद है
किया क्या है? ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो मैंने मुनीर खान साहब के जो पहली बरसी होती थी उस टाइम जो दिल्ली से, मेरठ से, फरुखाबाद से, लखनऊ से जो अलग अलग अच्छे अच्छे तबला नवाज आते थे उस टाइम वो पेशकार जो बजाते थे वो इसका ही उसका विस्तार वो करते थे और इनका ऐसा होता था कि शुरू धीमी लय में थोड़ी सी चालू करते थे उसकी दुगन करते थे अभी ऐसा द्रुत बजाने से पेशकार ही कहेंगे या कायदा हो जाएगा ये मेरे से पेशकार कह के वो बजाते थे नहीं अभी जैसे कि दिख दिना तक दिना भी कहते दिख दिना तक दिना धाके दिख दिना रहते कि दिना तक दिना और कुछ कहते पेशकार है तो मतलब पेशकार का मूल स्थाई भाव है जो अलापकारी रिदमिक अलाप है वही तो नष्ट हो रहा है फिर इसके बावजूद भी उसको पेशकार नहीं कहना चाहिए मैं मुझे क्या कहना है कि शुरू का जो उनका सिलसिला था वो उसमें वो डबल करते थे बाद में उनको यानी मेरे ख्याल से मुनीर खान साहब से इसमें बदलाव आया है जिसमें जो मध्य लय में वो शुरू हुआ था पेशकार और हमारे खान साहब अमीर हुसैन खान साहब भी मध्य लय में बजाते थे लेकिन उसमें वो डेडी भी करते थे आड़ी करते थे उसमें मिश्र जाति भी लाते थे वैसे और ये जो बदलाव आया है मध्य लय में और उसकी मजा लेके बजाने का वो मुनीर खान साहब से आया फिर बाद में चरखमा खान साहब ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से जिसमें उन्होंने कायदे का भी ये किया है हबीबुद्दीन खान साहब ने भी उसमें वो अजराड़ा में वो कहते थे कि इसमें भी हम कायदे लाते हैं जैसे शुरू करते पेशकार से लेकिन फिर उसका ही थोड़ा सा कायदा वो उसमें बजाते थे माइक्रोफोन आई एम हरी शर्मा आई वुड लाइक टू नो इफ दीज डिफरेंट घरानास हैव डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ तबला व्हेन दे प्ले From seeing an instrument, is it possible to know which gharana it belongs to? No, it is not possible. Sitar ka jaisa nahi. It is not possible. It depends on the artist to which instrument he wants to choose. Acha. Specific to a gharana the instruments are not there. Ne, aapko koi takleef nahi hai. He is selling instruments. So he's the that is according to the company. According to economy, Gavayan.